तो दोस्तों आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो नाउ कम टू द मूवी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों मैंने कभी आप लोगों से नहीं कहा कि मूवी पूरी देखना, पर आज आप लोगों को बोलता हूँ कि मूवी पूरी देखना, क्योंकि इस मूवी की स्टोरी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग और प्यारी है ना कि सच मुझे यकीन मानो पर्सनली ये मूवी मुझे बहुत पसंद आई। सो विदाउट एनी लेट्स कम टू द पॉइंट। कहानी की शुरुआत होती है और हम एयरपोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ हम पहली बार हमारे मूवी के लीड एक्टर बिन को देखते हैं जो बाय प्रोफेशनली एक है। और अब बिन को इमीडिएटली बाल्टीमोर पहुंचना है क्योंकि वहां उसे एक इमरजेंसी केस के लिए बुलाया गया है। इसके बाद यही हमें हमारी मूवी की सेकंड लीड एक्टर एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि बाय प्रोफेशन एक जर्नलिस्ट होती है और कल ही उसकी शादी होने वाली है न्यूयॉर्क में और इसीलिए उसे भी जल्द से जल्द न्यूयॉर्क पहुंचना है। लेकिन यहां पहुंचकर बिन और एलेक्स दोनों के चेहरे उदास हो जाते हैं क्योंकि खराब मौसम के कारण इन दोनों की फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है। पर ये दोनों लोग हार मानने वालों में से नहीं थे और इसी परेशानी को डिस्कस करते हुए इन दोनों की मुलाकात होती है और ये दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि हम दोनों की डेस्टिनेशन एक है तो क्यों ना हम लोग एक प्राइवेट प्लेन कर लें और जो भी एक्सपेंस होगा वो हम दोनों हाफ हाफ बेयर कर लेंगे। इसलिए जल्दी से ये लोग एक प्राइवेट प्लेन एजेंसी के पास आते हैं और उन्हें वहाँ एक फ्लैट मिल भी जाती है और एक पायलट भी अरेंज हो जाता है। अब इनकी पायलट के साथ सारी डील डन हो चुकी है, पर पायलट इन दोनों से रिक्वेस्ट करता है कि मैं हमारे साथ मेरे पेट डॉग को भी ले जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे जाने के बाद यहाँ कोई नहीं है जो इसका ख्याल रख सके और ये बेचारा बड़ा प्यारा और मासूम है। तो ये दोनों लोग पायलट की बात मान लेते हैं जिसके बाद अगले ही पल ये लोग जल्दी से आके प्लेन में बैठते हैं और वो पायलट इनको लेके यहाँ से टेक ऑफ कर जाता है। अब कुछ ही दूर उड़ने के बाद अचानक से पायलट को स्ट्रोक आने लगते हैं और ये देख के बिन जल्दी से आगे आके पायलट को संभालने की कोशिश करता है पर उसकी हालत में कुछ भी सुधार नहीं होता और कुछ ही पल बाद इनका प्लेन क्रैश हो जाता है और प्लेन के क्रैश होते ही इस दुर्घटना में पायलट की मौत हो जाती है और बाकी के लोग भी घायल हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा एलेक्स घायल हुई होती है क्योंकि उसके पैर में लोहे एक टुकड़ा जो घुस गया था। लेकिन बिन और पायलट का डॉग ये दोनों बिल्कुल ठीक होते हैं और फिर जैसे ही बिन को होश आता है वो जल्दी से उस प्लेन से बाहर निकलता है। बाहर का नजारा देख के तो उसकी सांसें रुक जाती हैं क्योंकि ये लोग ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के बीच फंस गए थे और वहाँ उन्हें दूर दूर तक बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता कि तभी उसे उस पायलट की डेड बॉडी नजर आती है जिससे वो पासी में बर्फ खोद कर दफना देता है। इसके बाद वो एलेक्स के पास जाता है और उसके घाव को देखते हुए उसका ट्रीटमेंट करता है, उसे मलम पट्टी करता है क्योंकि वो एक डॉक्टर जो होता है। और अब पट्टी होने के 10 घंटे बाद भी एलेक्स की आंखें नहीं खुलती, इसलिए बिन भी आराम से बैठ के एलेक्स का होश में आने का वेट करता है कि तभी बिन को एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है। इसलिए वो जल्दी से बाहर आके उसकी तरफ चिल्लाने की कोशिश करता है पर उसे पता था कि वहां तक उसकी आवाज नहीं पहुंचेगी, इसलिए वो एक फ्लेयर गन भी चलाता है पर उसका भी कोई फायदा नहीं होता और वो प्लेन वहां से निकल जाता है। और इस चीज से बिन बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और अब इधर अंदर एलेक्स को भी होश आ गया था, इसलिए वो जल्दी से एलेक्स को आके ये सारी बातें बताता है और बताता कि हम लोग एक बहुत बड़े बर्फीले पहाड़ों पर फंसे हुए हैं और यहाँ से जिंदा निकल पाना हम लोगों की बस की बात नहीं है क्योंकि हमें यहाँ दूर दूर तक देखने सुनने वाला कोई भी नहीं है। साथ ही हमारी एक दो दिनों में हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी क्योंकि हमारे पास खाने पीने के लिए भी कुछ भी नहीं है। अब बिन की सारी बात सुनने के बाद एलेक्स बोलती है हम ऐसे ही हार तो नहीं मान सकते, हमें यहाँ से निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा। जिसपे बिन बोलता है कि अगर हम बाहर निकले तो और भी जल्दी मारे जाएंगे क्योंकि बाहर बर्फ और जमा देने वाली ठंड के अलावा कुछ नहीं है। साथ ही बिन बोलता है कि हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम इस प्लेन के अंदर चुपचाप बैठे रहें और किसी तरह की मदद आने का वेट करें क्योंकि यहाँ से मैंने प्लेन्स को जाते हुए देखा है तो शायद जल्दी हमें कोई देख लेगा। अब बिन की ये सारी बात सुनकर एलेक्स भी मान जाती है और वो भी प्लेन के अंदर बैठ के किसी तरह का चमत्कार होने का इंतजार करने लगती है। लेकिन इस तरह इन्हें बहुत समय बीत जाता है और इनकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है जिस पर एलेक्स बोलती है कि अब तो हमें बाहर निकल के कुछ ना कुछ करना ही होगा क्योंकि इस तरह मदद आने के इंतजार में हम बैठे रहे तो हम जिंदा नहीं बच पाएंगे, तो इस तरह मरने से अच्छा ही है कि क्यों ना हम कोशिश करके मरे। अब एलेक्स की खराब हालत देख के बिन उससे बोलता है अच्छा ठीक है मैं मदद के लिए बाहर जाता हूँ लेकिन तुम अंदर रह के ही रेस्ट करोगी। इतना कह के बिन किसी तरह की मदद ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है पर घंटों बर्फीले पहाड़ों पर घूमने के बाद भी उसे कुछ नहीं दिखाई देता जिस वजह से बिन काफी परेशान हो जाता है। और अब शाम भी होने को आ चली थी कि तभी अचानक बिन का पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ के कोने पे आके लटक जाता है, मतलब अगर बिन यहाँ से नीचे गिरा तो उसका मरना पक्का है। पर बिन हिम्मत हारने वालों में से नहीं था, वो जैसे तैसे करके अपनी जीत तोड़ मेहनत लगा के वापिस से
पहाड़ पे ऊपर आ जाता है। इसी बीच हम एलेक्स को देखते हैं जो अभी भी प्लेन में होती है और वो पास ही पड़ी विन की चीजों को देखने लगती है। तभी उसे विन की वाइफ की रिकॉर्डिंग सुनाई देती है जिसमें वो कहती है कि मैं दुनिया की सबसे खुशनबी पत्नी हूँ, जिसे तुम जैसा पति जो मिला है। अब एलेक्स इस रिकॉर्डिंग को सुन रही होती कि तभी इसके प्लेन के बाहर एक तेंदुआ आ जाता है और अब एलेक्स को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। पर तभी इनका डॉग भी उस तेंदुए को देख लेता है और वो अपनी मालकिन यानी एलेक्स को बचाने के लिए प्लेन से बाहर जाके उस तेंदुए से लड़ जाता है। पर बेचारा डॉग तेंदुए के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और वो उसको जख्मी करके प्लेन के अंदर घुस आता है। और अब वो एलेक्स पे हमला करने वाला ही था कि तभी एलेक्स पास ही पड़ी फ्लेयर गन को उस तेंदुए पे चला देती है और वो गोली उसके खुले हुए मुंह के अंदर चली जाती है, जिससे तेंदुआ काफी जख्मी हो जाता है और वो वहां से भाग जाता है। पर थोड़ी दूर जाने के बाद वो मर जाता है और कुछ देर बाद विन भी यहाँ वापस आ जाता है और एलेक्स उसे तेंदुए वाले हादसे के बारे में बताती है, जिससे विन भी काफी परेशान हो जाता है। और तभी विन देखता है कि इनका डॉग भी घायल हो चुका है, इसलिए वो उसकी भी मलम पट्टी करके उसे टनाटन कर देता है। फिर बाद में वो उस मरे हुए तेंदुए को भी ढूंढ के लाता है और रात को वो उसके मांस को पका के खाते हैं क्योंकि कई दिनों से इन्होंने खाना भी नहीं खाया था। और खाना खाने के दौरान विन एलेक्स को बताता कि मैं पूरे दिन पहाड़ों पे घूमता रहा पर मुझे किसी तरह की हेल्प नहीं दिखाई दी, जिस पे एलेक्स बोलती ठीक है पर हमें कोशिश करते रहना होगा क्योंकि प्लेन के अंदर बैठने भर से कुछ नहीं होगा। अब अगले सुबह होते ही एलेक्स डॉग के साथ विन को बिन बताए हेल्प ढूंढने के लिए निकल जाती है और विन को कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि वो तो अभी सो रहा होता है। फिर जब कुछ घंटों बाद विन की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि यहाँ एलेक्स नहीं है, इसलिए वो उसे देखने के लिए जल्दी से बाहर आता है पर वो उसे वहां भी नहीं दिखाई देती। इसलिए जल्दी से वो प्लेन में आता है जहां उसे एलेक्स की छोड़ी हुई एक चिट्ठी मिलती है जिसमें उसने लिखा था कि मैं इस तरह हाथ पे हाथ रख के यहां चुपचाप नहीं बैठ सकती, इसलिए मैं हेल्प ढूंढने के लिए बाहर जा रही हूं। और अब विन को एलेक्स की चिंता होती है क्योंकि उसे पता था कि एलेक्स अभी घायल है और उसका पैर भी जख्मी है, इसलिए वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। इसलिए वो उसे ढूंढते हुए उसके पास तक पहुंच जाता है, लेकिन यहां पहुंच के वो देखता है कि चलने की वजह से एलेक्स की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है और बर्फीले पहाड़ों के कारण उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसलिए बिन उसे संभालते हुए एक चट्टान के पीछे ले आता है और रात में ये दोनों लोग वहीं रुकते हैं। और सुबह होते ही ये दोनों मिलके एक बार दोबारा से नई उम्मीद के साथ मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कई घंटे चलने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये लोग शायद ही यहाँ से जिंदा वापस निकल पाएंगे क्योंकि ये लोग इस पहाड़ के एंड पॉइंट पे आ चुके हैं जो कि बहुत ज्यादा ऊंचा है और उसके नीचे बस जमी हुई लेक होती है और इसके अलावा उन्हें आगे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। और अब ये मंजर देख के तो एलेक्स की भी हिम्मत टूट जाती है और ये दोनों काफी निराश हो जाते हैं। और अब इन दोनों ने भी सोच लिया था कि हम यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएंगे, इसीलिए बिन एलेक्स से बोलते कि तुम मेरी एक फोटो खींचो कि शायद किसी को तो मेरी फोटो मिलेगी। अब ये दोनों वहीं एक जगह बैठ के आग जला के लेट जाते हैं क्योंकि इन दोनों ने अब अंदर से भी हार मान ली थी। तभी थोड़ी देर बाद बिन को याद आता है कि उनका डॉगी गायब है, इसलिए वो एलेक्स से बोलता कि तुम यहीं रेस्ट करो, मैं उसको ढूंढ के आता हूँ। और बिन उसके पैरों का निशान का पीछा करते हुए एक वुडन हाउस तक पहुंच जाता है और इस लकड़ी के घर को देख के विन बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे जीने की एक उम्मीद दिखाई देती है और वो वापस से एलेक्स की तरफ आने लगता है। और इधर हम एलेक्स को देखते हैं जिसके पैरों के नीचे की बर्फ टूट जाती है और वो नीचे पानी में गिर जाती है और ये नदी का जमा हुआ बहुत ज्यादा ठंडा पानी होता है, इसके अंदर एलेक्स की सांसें रुकने लगती है और वो मरने वाली होती है कि तभी वहाँ बिन पहुंच जाता है और वो जैसे तैसे करके एलेक्स को खींच के ऊपर निकाल लेता है। पर अब वो बेहोश हो चुकी थी और उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ चुकी है और उसे जल्दी ही गर्मी नहीं दी तो शायद वो मर जाएगी, इसलिए बिन उसे उठा के उसी लकड़ी वाले घर में ले जाता है और वहाँ उसका ट्रीटमेंट करने लगता है। लेकिन एलेक्स की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, इसलिए अगले कई दिनों तक वो बेहोश पड़ी रहती है। पर पूरे 12 दिन बाद एलेक्स को होश आता है और बिन उसे बताता है कि हमें रहने के लिए एक घर मिल चुका है और तुम पिछले 12 दिनों से बीमार हो, तुम्हें अब जाके होश आया है। और इस घर को देख के एलेक्स भी थोड़ी रिलैक्स होती है और अब एलेक्स को ठीक देख के बिन उससे बोलता है कि तुम यहीं आराम करो, मैं आग जलाने के लिए लकड़ियां लेकर आता हूँ। उसके जाने के बाद एलेक्स दोबारा से बिन की वाइफ की रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। तभी अचानक से बिन वापस आ जाता है और वो एलेक्स को उसकी पत्नी की रिकॉर्डिंग सुनते हुए देख लेता है और वो एलेक्स के ऐसा करने पे उस पे काफी गुस्सा होता है, लेकिन एलेक्स बिन से अपनी इस गलती के लिए माफी मांगती है। और इसी तरह माफी मांगते मांगते ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और फाइनली ये दोनों लोग एक दूसरे को बाहों में भर के इंटीमेट होते हैं। और इंटीमेशन के बाद एलेक्स बिन की एक फोटो खींचती है और इंटीमेशन के बाद ये दोनों लोग दोबारा से एक दूसरे के साथ लेटते हैं और एक दूसरे की पास्ट को जानने की कोशिश करते हैं और बातें करते हैं। और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि बिन की वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही और इसी तरह की इमोशनल बातें करते हुए ये दोनों लोग दोबारा भावुक हो जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अब एक दूसरे के इतने करीब आने के बाद इनके अंदर दोबारा जीने की हिम्मत जगती है और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम बाहर निकल के एक बार फिर ट्राई करेंगे इन बर्फीले पहाड़ों से निकलने की। इसलिए अगली
सुबह होते ही ये दोनों लोग दोबारा से यहाँ से बच निकलने की उम्मीद में निकल पड़ते हैं। पर आगे जाने पे ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे बर्फीला तूफान आ रखा है, इसलिए उस दिन ये दोनों लोग वहीं रुक जाते हैं और वहीं पास में चट्टान के पास रुक के पूरी रात काटते हैं। तभी इनका डॉग इनके पास आके जोर जोर से भौंकने लगता है और अपने डॉग की आवाज सुन के बिन जग जाता है और बिन देखता है कि ये डॉग उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, उसे कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उसको भौंकते हुए अपने पीछे आने का इशारा करता है, जिसे बिन भी समझ जाता है और वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। और उसका थोड़ी दूर तक पीछा करने के बाद बिन को एक लकड़ियों का कारखाना दिखाई देता है, जिसे देख के बिन बहुत ज्यादा खुश होता है और वो समझ जाता है कि अब हम सभी लोग जिंदा बच जाएंगे। और अब वो जल्दी से भाग के एलेक्स के पास आता है और उसे उठा के ये तीनों लोग टिम्बर की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर तभी बिन का पैर एक फॉक्स ट्रैप में फंस जाता है, जिसे एलेक्स निकालने की बहुत कोशिश करती है पर वो नहीं निकाल पाती। और अब बिन को उस ट्रैप की वजह से ब्लीडिंग होना शुरू हो गई थी और वो दर्द के मारे करा रहा था। अब एलेक्स बिन की ये हालत नहीं देखी जाती, इसलिए वो लंगड़ाते हुए टिम्बर यार्ड पे पहुंचती है ताकि वो वहां से किसी की हेल्प ले सके। पर वो टिम्बर यार्ड पे पहुंचने से पहले ही उसे रोड पे एक ट्रक आते हुए दिखाई देता है और वो उसी के सामने बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम बिन को देखते हैं, जहां उसकी आंखें सीधा हॉस्पिटल में खुलती हैं और अब वो बिल्कुल ठीक है। और अब वो सीधा उठते ही एलेक्स के वार्ड में जाता है, पर जैसे ही वो एलेक्स के पास पहुंचता है उसे वहां एलेक्स का फियांसे दिखाई देता है और उसके फियांसे को वहां देख के बिन का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं एलेक्स से सच्ची मोहब्बत हो गई थी। और एलेक्स के फेस को देखकर भी यही लगता है कि वो भी अब बिन को चाहने लगी है, लेकिन ये दोनों लोग एक दूसरे को अपने दिल की बात नहीं बोल पाते और एक दूसरे को देखते रहते हैं। और अब बिन एलेक्स के रिश्ते में रोड़ा नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो उस डॉग को लेके अपने घर के लिए निकल जाता है। पर घर पे आकर भी उसे बस एलेक्स के ही याद आ रही थी। और दूसरी तरफ एलेक्स की भी हालत ऐसी ही है, वो भी अपने घर पहुंच चुकी है लेकिन उसका मन उसका दिल किसी भी काम में नहीं लगता और वो भी बस बिन को ही याद करती रहती है, लेकिन वो ये चीज वहाँ किसी को नहीं बता पाती। फिर एक दिन एलेक्स को याद आता है कि उसने बिन की कुछ फोटोज खींची थी, इसलिए वो उसे बार बार कॉल करती है पर बिन उसका एक भी कॉल अटेंड नहीं करता। और इस चीज एलेक्स और भी ज्यादा परेशान होने लगती है। अब उसके फेस पर हमेशा परेशानी देख के ये बात एलेक्स के फियांसे को भी दिखाई देने लगती है और वो भी एलेक्स की परेशानी समझने लगता है और इसीलिए वो एलेक्स से उसकी परेशानी जानने की कोशिश करता है। और अब एलेक्स बिन को वो सारी तस्वीरें भेज देती है जो उसने जिंदगी के उन मुश्किल दिनों में उसकी खींची थी। और अब इन फोटोज को देखने के बाद बिन को भी एलेक्स की बहुत ज्यादा याद आने लगती है और वो उसे कॉल करके कहता है कि अब हमें मिलना चाहिए। और अगले ही दिन ये दोनों लोग एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहां पहुंचते ही एलेक्स बिन से पूछती है, क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल याद नहीं आई और तुमने मेरे फोन पिकअप क्यों नहीं किए? तो बिन एलेक्स को बताता है कि मैं तुम्हें अपनी यादों से परेशान नहीं करना चाहता था और मैं सोचता था कि तुम अपने फियांसे के साथ खुश होगी। इसके बाद एलेक्स बिन को बताती है कि मेरे फियांसे से शादी नहीं हो रही है और मैं उससे अलग हो रही हूँ, यानी कि उस दिन एलेक्स ने अपने फियांसे को सारी बातें बता दी थी और अपनी सारी प्रॉब्लम भी बता दी थी और इस रिश्ते को मना भी कर दिया था। इसके बाद एलेक्स बिन से अपने प्यार का इजहार करती है और बोलती है कि जिंदगी के उन मुश्किल दिनों में और मेरे लिए तुमने जो भी कुछ किया उन सभी चीजों को देखते हुए मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और मैं समझ चुकी हूँ कि इस दुनिया में मुझे तुमसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। अब ये सारी चीजें जानने के बाद भी बिन एलेक्स से अपने प्यार का इजहार नहीं करता और इन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चीज है जो एलेक्स को रोक रही हो। फिर सारी बातें करने के बाद ये दोनों लोग एक दूसरे को बाय बोल के अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में जाते जाते इनके अंदर बेचैनी का कीड़ा बढ़ता जाता है और ये लोग परेशान होकर एक दूसरे की तरफ भागते हैं और गले लग जाते हैं। और फाइनली ये दोनों लोग दोबारा से एक दूसरे को प्यार का इजहार करते हैं और शानदार किस करते हैं और इस तरह ये दोनों अनजान इंसान एक हो जाते हैं और प्यार की जीत होती है। साथ ही इस मूवी का एंड यही होता है। सो थैंक फॉर वॉचिंग।